राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती गांव सिरडी में बने एक मंदिर से चांदी से निर्मित रामदेव जी की मूर्ति चोरी हो गई, जिस पर सोने का जोल चढ़ा हुआ था। ग्रामवासियों ने शहर कोतवाली में आकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामवासी नंदराम रेगर ने बताया कि गांव सिरडी में भगवान रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें कई वर्षों से मंदिर में पुजारी नवीन नाथ सेवा पूजा करते रहे हैं। जब आज सवेरे पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सोने के जोल चढ़े हुए चांदी की मूर्ति वहां से गायब थी। इस पर पुजारी नवीन नाथ ने ग्रामवासियों को इसकी सूचना दी। इसके पश्चात सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर शहर कोतवाली पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज रात को करीबन 3-4 बजे दिल्ली रामदेव मंदिर ने जो मूर्ति स्थापना की गई ग्रामीण द्वारा, रेगर समाज द्वारा, 25 साल पुरानी है और उसकी रात को चोरी हो गई। उसके संबंध में यहाँ ज्ञापन में 25 साल उसने चांदी की तो 1.25 किलो के उसमें ये लगा हुआ है और उसके ऊपर ज्वलन चढ़ा हुआ है सोने का। नहीं।